ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी गुरप्रसाद ज्ञान त्याग विश्वकर्म न जाना सार न जाना तेरी सब देव का सतगुर नानक जिन काल राखी मेरी सब देव का सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान त्याग विश्वकर्म न ज्ञान नाहन निर्मल करनी साध संगत कायम जल लाभो नदी जाए तरनी से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नामे उचारे से संयोग करो मेरे प्यारे रसना हर नाम उचारे सतनाम वाहे गुरु जी हर हर नाम त्याए मन हर दरगह पावन गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुरु महाराज संतान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हरि विसर्जी सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है इस अपार गढ़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। गुरु अमरदास पातशाह के पावन श्लोक जो वारां ते वधीक सरेख हेठ गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखीर ते दर्ज हैं इन्हां दी विचार आप सरवण कर रहे हैं पिछले दिन अज ये पंजावां श्लोक आप सरवण होता है। कल आप सरवण करते परमेश्वर ने सानू जो शरीर है एक मंदिर का रूप दिता यही मंदिर है। इस मंदिर के वाहिगुरु परमेश्वर की अपनी ज्योत जल रही है। सो साडे जीवन का निशाना की है इस शरीर रूपी मंदिर की संभाल करके इसनू भंगा तोड़ना नहीं जिवें हठ दे नाल लोक करते हैं इसकी संभाल करनी है। मंदिर है
और ये समुंदर के अंदर वड़ना है किवें वड़ना है गुरु के शब्द के राही अपनी सुरत गुरु के शब्द न जोड़ के जो बाहर मुखी है गुरु के शब्द न जोड़ के समुंदर ले जाना है। जिमें जिमें सुरत गुरु शब्द के सहारे अंदर जाएगी तो महाराज ने दसिया है कि इस शरीर रूपी मंदिर के वाहिगुरु परमेश्वर ने बहुत ही कीमती वस्तुआं रखियां हैं। जिमें खोजी जेड़े हैं जंगल के विचों जा के अजिहियां बूटियां लभदे हैं जिन्हां दे नाल लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं। बूटियां बहुत हैं पर जिन्हां समझ बख्शी परमात्मा ने वो अजिहियां बूटियां लभदे हैं। इस तरह ही कुछ अजिहे खोजी हैं जिहड़े पहाड़ां नूं पटदे हैं खोज करते हैं उन्हां विचों वो हीरे जवाहरात लभ लैंदे हैं। कुछ खोजी अजिहे हैं जिहड़े समुंदर दे डूंघियां डूंघियां लाउंदे हैं ते समुंदर दे विचों कीमती वस्तुआं बाहर कढ के लियांदे हैं जिन्हां दा सदका वो संसार दे विच माण प्राप्त करदे हैं। इसे तरह ही गुरु का जो सिख है वो लंबे दम के नाल गुरु शब्द के सहारे के नाल अपनी सुरति नूं इस शरीर रूपी मंदिर विच जांदा है। गुरु शब्द इस नूं उस थां दे उत्ते लै जांदा है जिथे परमात्मा की जोत चल रही है या जिथे परमात्मा हाजर नाजर है। ये सारी ही शरीर की क्रिया जो आप अपने हुक्म के नाल चलाता है उतों तक पहुँच जाता है। जिथे परमात्मा है जिथे जिवें बादशाह है उसके खजाने भी उत्थे हैं कीमती वस्तुआं सारियां ही उसके कोल हैं। इसे ही तरह जिथे पातशाहां दा पातशाह वाहिगुरु ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸੰਸਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰ ਤੱਕ ਹੈ ਪਾਵੇ ਮਨ ਹੇ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੱਧ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਔਗਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
इस नाम का याद कर। सोना गलना कोई सावधान होना है गुरसिख ने सुरती गुणा दे विच अते रसना नाम दे विच इंज अंतर गुरु आराधना जीवा जब नाम वाली गल इंज करना है। रसना भी सदरी करना है, रसना भरना है, अंदर अपना जो मन है इसनों इस रस के प्रकट करना। दिल विच पाप सब कटियां हो मैं चुके गवा, नाम विच इन्नी ताकत है कि सारे ही पाप कट दिता है। थोड़ा जहा नाम ही महाराज ने उदाहरण दिखती है, जिमें अग की एक चंगियाड़ी ही लखा मन बालण नूं साड़ के सुआह कर दिंदी है। इस तरह कटका है पाप असंख नाम कणी, नाम की एक कणी एक चंगियाड़ी ही जी है कि असंखा ही पावन गिणत ही पापां कट दी। इसके नाल ही जिथे तेरे पिछले किते गुनाह पाप कटे जाएंगे, नाल ही तेरे अंदरों जो हौमे है गुमान है ये भी खत्म हो जाएगा। नाम देना गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म शान, जेड़े गुरु की शरण विच पाए के नाम ध्यांदे हन उन्हां दा हिरदा रूपी कमल विकसदा है, खेड़ा उन्होंने अंदर भी खेड़ा रिना खुशी रही है, सदा ही आनंद रेंदे हैं, तो बाहरों भी और सदा ही विकसे खेड़े दिसते हैं। सब आत्म ब्रह्म शांत सब पासे ही उन्होंने ब्रह्म ही ब्रह्म दिसता है, ब्रह्म दिसा है, ब्रह्म समझे, ब्रह्म नगरी आया अभी भी अवस्था में। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, ये सच्चे पातशाह जिस नाम की इतनी शोभा दस रहे हो, मेरे ते भी कृपा करो कि मैं भी इस आप दे अमोल नाम मैं जप के अपना जन्म जिहड़ा है वो सफल कर। तना शरीर धनवंती जानी है भाई जां सतगुरु की कार कमाए, तना शरीर राग है कहिंदे कि उस इंसान ने समझो धनासरी राग ना लिया या सुन लिया जिसने सतगुरु की दसी हुई कार कमाई शुरू कर। जो गुरु महाराज ने दसिया कि गुरसिखा आप ही अपने जीवन के कर, तू जिमें धनासरी राग गाने वाले सुन वाले आनंद आता है, इस तरह धनवंती धनवंत कहते हैं। वो जीव इसी धनवंत गिनी जाती है, भागा वाली गिनी जाती है जिड़ी गुरु की दसी हुई कार कमाती है, भाव जो गुरु महाराज कहते हैं गुरबाणी कह सेवक जन मन, जो आप गुरु की बाणी राणी पढ़ते हाँ सुनते हाँ इस अमल कर, जो खास गल्ला जे रोज ही जीवन में आने वाली हैं वो अपन रोज ही नितनेम की बाणी च पढ़न लिखा है, ताकि आ गल जी ना भूल जिमें अमृत वेला सचनाम वड्याई विचार। गुरसिखा इस गल ध्यान च रखी, सवेर का वेला ना कि सत्या लगा देवी, जोड़ा अज का वेला है सवेर का अज ही है, कल नहीं आना, एक दिन का लंघ गया इन्ना घाटा तेन रात में ही गुरसिख ने अरदास करके सोहे की बाणी पढ़ के अरदास करके सोना है कि सच्चे पातशाह मेरे की कृपा करो, अमृत का मैंने बल बख्शिश करो, अमृत वेड़े इनान की दाल बख्शिश करो। बस ये दो गल गुरु बख्श देवे, अमृत वेड़े जगा देवे, इनान करने का उत्तम बख्श देवे, बाकी दिन गलों अपने आप। इसे ही तरह महाराज कहते कि मिल साध संगत भज केवल नाम, दूजी गल ये जी आप रोज पढ़ते हैं गुरसिखा संगत के नाम जुड़ के नाम जप कर, संगत का सहारा लै, संगत वाल है, जो तेरी खेती भरपूर हो इस खेती उजड़न तो संगत बचा देगी,
इस करके संगत का सहारा ना छक संगत को वार्ड के रूप के छान ये जरूरी करने वाला काम है। ये को सिखा आ पांच वाणियां सवेरे जरूर ही तू पढ़नी है, ये गुरु का हुक्म है, कोई शॉर्ट नहीं है इसके। इसे तरह ही शाम के वेले रहरास का पाठ जरूर करना है, सौन के वेले जरा है सुरला बाणी का पाठ करके ही सौना है, ये हुक्म है। ये हम रोज करने वाला काम है, साड़ी रहत मर्यादा का साड़ी रहत अंग है। पांच ककार सानू महाराज ने बख्शिश दिए हैं, ये पांच ककार महाराज की बख्शिश है। इन्हों पांच ककारों का हर वेले धारनी रहे नाल ही इन्हां पंजां ककारां दा सत्कार करिया कर। अपने पंज ककारां दा ही नहीं, जिसने पंज ककार धारण कीते हन उस दा भी सत्कार करिया। इह नहीं कि जे तू पंज ककार धारण कीते हन इन्हां नूं तां तू नमस्कार करदा है, जिसने पंज ककार धारण कीते उस दा तू आदर करदा। पंज ककारां दे धारनी जे तू आप नितनेम करता है तो नितनेम करने वाले का सत्कार करया कर, जे तू आप संगत करता है तो सतसंगियों का सत्कार करया कर। तो ये सारिया गलां ध्यान में रखनिया हैं, ये गुरु की कार जिहड़े सुचेत रोजाना ही मारे सुचेत कर आ काम नहीं छकना, सो ये करना ही करना है। तन मन सौंपे जी सौ भाई लय कराओ, नहीं पाठ करना है कराओ। ये करे अपना तन ते मन अपनी जिंद गुरु नूं सौंप ते गुरु दे हुकम विच रह के अपना जीवन गुजारे, जिवें गुरु महाराज कह रहे हैं उस तरह। जे गुरु ने कहा है कि इधर नूं जा तां जाना है, जे गुरु ने रोकता है तां नहीं जाना। जे गुरु ने कहा कि इन्हां लोकां दी संगत कर उह संगत करनी है, जे गुरु रोकदा है कि इस पासे नूं ना जा, जे इस संगत ना जा तूं तां उहनूं छड्ड दे। इंज आपणा समर्पण कर देना गुरु दे हुकम दे विच पूरी तरह चल, समझ लै कि तूं धरासरी राग दा आनंद माण गया। सो धरासरी राग ही नहीं, जिन्ने भी राग हन, राग जिन्ने भी हन इन्हां दे रस है, ये जोड़न वास्ते हैं। ता ही महाराज ने बाणी रागां विच रखी है, ये साडी सुरत नूं जोड़दे हन गुरु शब्द दे नाल, सहायता करदे हन सुरती नूं गुरु दे शब्द नाल जोड़ के। जो जुड़ती है सुनण वालियां दी गाउण वालियां दी तां इहनूं रस पैदा आनंद आउंदा। सो महाराज कहिंदे कि जे तूं ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਵੈਸਾਵੇਂ ਵੈਸਹਿ ਭਾਈ ਜਹ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਏਵਟ ਧਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇਵਟ ਹੇ ਭਾਈ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਕੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਿਹਾ। ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਸੰਗ ਰਹਾ।
ये अरदास करया कर सच्चे पातशाह मेहर कर मैं सदा ही तेरे गुण गाउंदा रहां सच्चे नाम दे गुण गाउंदा नाम दे भी गुण हैं जिवें परमात्मा दे गुण महाराज ने दसे हैं जिवें आरती दा शब्द पढ़ के देखो परमात्मा दे गुण उसकी रचना दे गुण इस सोधन दा शब्द पढ़ के देखो उसदे वाहिगुरु परमेश्वर जिवें उस इस तरह को अजिहे शब्द बहुत सारे सो जिवें जिवें सच्चे वाहिगुरु परमेश्वर के गुण गाते हैं गाँवते हैं देव तो नेड़ता होंगी पहनण गुण चंगियाईया पाई आपनी पत कै साध आपके खाए पहनना की है जिवें तनासरी राग का गाना की है महाराज दसता पहनना की है चंगे कपड़े की पहनने हैं चंगियाईया धार चंगे गुणा धार कीमती कपड़े पाए होने अंतर गुण हो गए अज यही जीव स्त्री महाराज ने कुछ अजी कहा जो कपड़े माड़े भी पाए होंदर गुण हैं चंगे गुण हैं तो उन्होंने महाराज जी से अजी कहा इसके नाल ही जे वह गुरु के चरणों के नाल जुड़े हुए चंगे गुण भी हैं तो गुरु के चरणों के नाल भी चंगे गुणां नूं धारण कर जिहड़ा धारण करता है उन्हूं संसार इज्जत मान सत्कार मिलता है इस इज्जत मान का स्वाद जिहड़ा साथ आपे खाए आप मानता है उसनूं आनंद आता है इन्हां गल्लां दे विच्चों जदों लोग उसका सत्कार करते हम चंगे गुणा का सत्कार करते हैं बंदे का सत्कार नहीं उसके चंगे गुणा का सत्कार उन्होंने आनंद आता है इसका क्या सलाह है भाई दर्शन कहो पद करे अजिहे रब के प्यारे दी सिफत करिए दर्शन तो भी प्रवान जाना चाहता है जो अपने अंदर चंगे गुण धारण करता है तो सदा ही परमेश्वर के नाम से हक सतगुर वडिया वडियाईया भाई करम लै तां पाए गुरु बड़िया वडियाईया वडियाईया दे नाल भरपूर है पर यह वडियाईया का मालिक जो गुरु है ये उस बख्शिश के नाल मिलता है जो परमात्मा की रहमत होंगी है उदो पूरे गुरु का मालिक एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिरा एक वो है ना वो गुरु के हुक्म मनन की गल समझते ही द्वैत भाव है उन्होंने अंदर गुरु के को आना भी गुरु की बाणी भी पढ़नी संगत भी करनी सारा कुछ ही करना पर सुरती माया और दूजा भाव की है माया जी संसार गुरु को बैठिया होया भी यह दूजा भाव अंदर उस तरह के विचार जो संसारी विचार संगत ढोई ना मिला भाई बैसन मिले ना थाम अजिहे लोगों तो फिर संगत बैठन का मौका ही नहीं मिलता है ढोई नहीं मिलती आसरा ही नहीं मिलता है जे कि घरों चल के भी आ जाए तो इधर उधर कायम अपना बाहर ही विचार जिहड़े कृपा है जिन्हां दे उत्ते ओह छेचे पहुँच जाते हैं नानक गुरु दे नाम ऐसी पाई जिन्हां ने कमाया ना ये हुक्म दी जो खेड है ना गुरु दे हुक्म दी खेड गुरु दी कही हुई गल नूं मनना ये भी उही करते हैं ये उही मनते हैं जिन्हां ने उत्तों ही वाहिगुरु परमेश्वर ने नाम जपण दी जिन्हां नूं कार्य लाया हुआ है जिवें जिवें नाम वाले सचियां जे गुर चरणी लगन अंदन सेवन गुर अपना अंदन आनंद रवन वाड़ियां सचियां गुरु अमरदास पातशाह ने
ਹੁੰਦਾੜੀ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹਨ ਬੜਾ ਸੰਤਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਮਸੰਦ ਛਿਆਂ ਵੀ ਨਿਆਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਸ ਸਹਿਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਸੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾੜੀ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ
अंदर सेवन करे अपना अंदर आनंद रखा हर वे भाव रात दिन ही भाव हर वेले ही अपने गुरु को याद रखते हैं जिसका सदका सदा ही आनंद रखते नानक से मोह सोना है सच्चे दास अजिहे रब के प्यार वाले जो हैं उन्होंने मुख उचले होंगे गुरु के दर के उत्ते भी उन्होंने मान सत्कार मिलता है भाव गुरु महाराज आप भी उन्होंने गुरसिखा तो बलिहार जाते हैं वारे वारे जाते हैं जेड़े गुरु के चरणों में जुड़े हुए नाल संत का सत्कार करते हैं जो संत भेटा दिखती है उसमें गुरु घर तक चाहते हैं महाराज आप खुद उन्होंने सत्कार कर तो सतगुरु जी कृपा कर जो पावन उपदेश आप सरवण कर रहे हैं ये साढ़े भी अंदर वसे सो असी भी गुरु के दर से अपनी सच्ची दाड़ी वसे करवा सकिए साढ़े दिन कृपा होना चुकना चाहिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।